पीएम मोदी आज करेंगे मंत्री परिषद की बैठक, महंगाई और अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा। आर्थिक मंत्रालयों को महंगाई कम करने के उपायों पर दे सकते हैं निर्देश। पीएफआई पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, पीएफआई पर लगा 5 साल के लिए बैन। लगातार छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय का एक्शन, देशव्यापी पीएफआई के खिलाफ जारी है छापेमारी। गरबे को लेकर भोपाल कलेक्टर की गाइडलाइन जारी है, बिना पहचान पत्र के आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं। आयोजन स्थल पर प्रवेश के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र, सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य। सीएम शिवराज सिंह चौहान का राजगढ़ दौरा आज, खुजनेर में शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूर्ति का अनावरण करेंगे, राजगढ़ को देंगे विकास कार्यों की सौगात। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मां महामाया की पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना। सीएम पर विपक्ष पर निशाना, कहा नफरत छोड़ो पर भारत जोड़ो का व्यापक असर। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पीएफआई पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लग चुका है। तो लगातार छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय का ये एक्शन जो है वो सामने आया, तो पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। तो देशव्यापी पीएफआई के खिलाफ छापेमारी जो है लगातार जारी है। तो गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला है, जहां पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लग चुका है। तो कल सेकंड राउंड की कार्रवाई जो है देखी गई थी, एनआईए और एटीएस की लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है, पीएफआई पर 5 साल के लिए जो है बैन लगा दिया गया। अगर हम एमपी की बात करें तो कल एमपी के 8 जिलों से 21 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आज गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लग गया। तो लगातार छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन जो है वो देखा गया है। तो पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया, और साथ ही देशव्यापी पीएफआई के खिलाफ लगातार छापेमारी अभी भी जारी है। तो इस समय की ये बड़ी खबर, जहां पीएफआई पर गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया। तो कल सेकंड राउंड की जो है छापेमारी कार्रवाई जो है वो देखी गई थी, तो 8 राज्यों से जो है अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की गई थी। अगर एमपी की बात करें तो एमपी में 8 जिलों के 21 सदस्यों को है गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद आज सुबह ये बड़ी खबर, जहां पीएफआई पर गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लग चुका है। लगातार छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय का ये एक्शन है, जहां पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया, और साथ ही देशव्यापी पीएफआई के खिलाफ छापेमारी जो है वो लगातार अभी भी जारी है। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, अगर हम छापेमारी कार्रवाई की बात करें तो एमपी में कल 8 जिलों से 21 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज सुबह ये बड़ी खबर आई है, जहां पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लग गया। देखिए, अगर हम बात करेंगे एनआईए की छापेमार कार्रवाई की, तो इससे पहले जो छापेमार कार्रवाई हुई थी उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो कि पूरी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। जो चारों मध्य प्रदेश से, खासकर हम बात करें जो कि इंदौर और उज्जैन से अब्दुल करीम बेकरी वाला और उसके जो साथी थे वो गिरफ्तार हुए थे, उनके पास ऐसी सामग्री बरामद की गई है जिसमें देश विरोधी गतिविधियाँ बताई जा रही है। साथ ही उनके जो फ़ोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए हैं तो उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। करीब 52 पाकिस्तान के फोन नंबर्स जो हैं वो कल अब्दुल खालिद के मोबाइल में पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई जो है वो पूरी तरीके से जुटा हुआ था। लगातार छापेमार कार्रवाई हुई और बड़ा यहां पर फैसला गृह मंत्रालय का है कि उन्होंने यहां पर बैन लगाया। कल भी एनआईए की इनपुट पर मध्य प्रदेश पुलिस ने एटीएस के साथ मिलकर कार्रवाई की, उसमें 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, अलग अलग जगहों पर जो 8 जिलों में कार्रवाई हुई, चाहे श्योपुर,
भोपाल, इंदौर, उज्जैन की बात करें, यहाँ से कई लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब उनसे पूछताछ की जाएगी हिरासत में रखकर, लेकिन अब PFI बैन हो गया है तो जाहिर सी बात है उसके जो संगठन है, उसकी जो पार्टी चल रही थी जो कि मध्य प्रदेश में सक्रिय थी, SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी जो थी, वो जो सक्रिय थी उसके जो पार्षद भी माने थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। देखिए ये साफ हो चुका है, कल भी स्थानीय लोग ये बता चुके हैं कि देर रात वहाँ पर मीटिंग्स रहती थी, लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता था और जिस तरीके का वहाँ पर ऑफिस था CCTV से लैस, हालांकि डॉक्यूमेंट्स पूरे रखे हुए थे, लेकिन छापेमार कार्रवाई में अलग अलग जगहों से कल लोग गिरफ्तार हुए। देखिए जिस तरीके की गतिविधियों में PFI कई समय से लिप्त नजर आ रहा है, पिछले समय में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो दंगों में भी PFI का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। साथ ही जो कांड हुआ पिछले साल जो इंदौर में चूड़ी वाले के साथ जो मारपीट हुई थी, तभी से PFI पर मध्य प्रदेश पुलिस और जो NIA है वो मिलकर नजर रखी हुई थी। उसके बाद खरगोन में जो दंगे हुए और जो दंगे लगातार होते आ रहे हैं उसमें एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि कोई जुलूस निकल रहा होता है, जो पाकिस्तानी समर्थक वाली नारेबाजी होती है, पथराव होता है जुलूस पर और उसके बाद दंगा भड़कता है। तो ये जो पूरा पैटर्न चला आ रहा है इस पर ध्यान में रखते हुए, फिर लोगों पर जो है नज़र रखते हुए यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश पुलिस ने और NIA ने छापेमार कार्रवाई की थी। देखिए रात 2 से 3 बजे के आसपास ये छापेमार कार्रवाई होती है। हालांकि कल जो 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके अपराध अभी जो है वो प्रूव होना अभी बाकी रह रहे हैं, लेकिन पहले जो 4 सदस्य गिरफ्तार हुए थे और जो 21 लोगों की कल गिरफ्तारी हुई है, तो क्या उनसे लगातार पूछताछ जारी है? अगर पूछताछ की जा रही है तो कौन कौन से बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। SDPI जो पार्टी है वो पूरे प्रदेश भर में सक्रिय है। SDPI का मैं आपको बता दूं कि एक पार्षद भी श्योपुर जिले में जीतकर आया था, हालांकि उसको भी हिरासत में ले लिया गया क्योंकि बताया जा रहा है कि SDPI PFI की ही एक पॉलिटिकल विंग है, अलग अलग तरीके से ये चला रहे थे। देखिए कल SDPI का जब हमने वहाँ पर नारा देखा तो उनके नारे में लिखा हुआ था खौफ से आज़ादी, तो जिस तरीके से ये खौफ से आज़ादी की बात कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे, युवाओं का ब्रेन वॉश इस तरीके से कर रहे थे कि सरकार जो है उनके खिलाफ काम करती है और उसी कारण वो व्हाट्सएप ग्रुप पर लोगों को जोड़ रहे थे। देखिए कई अहम दस्तावेज जो हैं इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं, जिनके मोबाइल्स हैं उनसे भी कई ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अब क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है और अब PFI बैन हो चुका है। जाहिर सी बात है बैन इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने ये माना है कि कहीं ना कहीं PFI पूरी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इसी के चलते जो है अब मैं आपको बता दूँ PFI की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसको लेकर जो उनकी जो पॉलिटिकल विंग है उनकी पूरी तरीके से कड़ी जांच की जाएगी। महिला विंग भी है, महिला विंग की भी जांच की जानी है, लेकिन कई चीज़ें निकलकर सामने आ सकती है। जो 21 लोग हैं लगातार मध्य प्रदेश पुलिस की टीम इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन बड़ी चीज़ें इसमें निकल कर सामने आ सकती हैं क्योंकि कल पाकिस्तान से कनेक्शन मिला है अब्दुल खालिद का, जो कि पाकिस्तान में बातचीत करता था और कई नंबर्स पाकिस्तानी एजेंसी पाकिस्तान के वहाँ पर थे, तो पाकिस्तान से क्या कुछ बातचीत हो रही थी, ऐसी क्या ज़रूरत थी कि यहाँ से राजधानी भोपाल से या मध्य प्रदेश से पाकिस्तान बात करना पड़े, और SDPI की फंडिंग कहाँ से हो रही थी सबसे बड़ी बात, क्योंकि PFI जो है उसके भी फंडिंग कनेक्शंस बाहर पाकिस्तान बांग्लादेश के आसपास बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। इसलिए जो है मध्य प्रदेश पुलिस लगातार जो है फंडिंग को लेकर जाँच कर रही है, जो भी दस्तावेज वहाँ से बरामद हुए हैं, क्योंकि देखिए देर रात मीटिंग चलती थी, स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि देर रात लोगों का अमूमन मीटिंग में आना जाना रहता था, भीड़भाड़ देखी जाती थी, नीचे प्रदेश कार्यालय था, तो प्रदेश कार्यालय ऐसी पार्टी का जिसको PFI फंडिंग करता था, जाहिर सी बात है उस पर भी अब पूरी तरीके से बैन लगेगा। जिसके बाद गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला सामने आया है कि PFI को 5 साल के लिए जो है वो बैन कर दिया गया। मितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, खबर भोपाल से है जहां CM शिवराज की मॉर्निंग एक्शन बैठक लगातार देखी जा रही है। श्योपुर जिले के अधिकारियों के साथ CM की समीक्षा बैठक होगी। PM आवास योजना, नल जल योजना, कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा करते हुए CM शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। तो अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है जहां CM शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग बैठकें जो है वो लगातार जारी है। तो श्योपुर जिले के अधिकारियों के साथ CM की समीक्षा बैठक होगी और बैठक में कई अहम दिशा निर्देश देते हुए CM शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, श्योपुर जिले के अधिकारियों के साथ CM की बैठक है, किस तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, किस तरह के दिशा निर्देश दे सकते हैं CM शिवराज सिंह चौहान?
देखिए जनता को कोई परेशानी ना हो और जनता जो है हमेशा खुश रहे, चाहे वो सरकारी योजनाओं की बात करो या अन्य तरीके से, इसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं और यहाँ पर वो दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को नज़र आ सकते हैं। देखिए पिछली कुछ बैठकों में सीएम शिवराज का सख्त अंदाज देखने को मिला है। कई ऐसी योजना थी जिसमें कई जिलों में काम ढंग से नहीं चल रहा था। नल जल योजना को लेकर पिछले बैठक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार भी मिली, जिसके चलते जो है ये पता लगाया जा सकता है कि सीएम शिवराज जो है जनता की योजनाओं को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं कि किस तरीके से सारी योजना का जो क्रियान्वयन है वो हो रहा है, जनता तक कैसे पहुँच रही है। क्योंकि देखिए अधिकारियों का काम है तो अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे, सीएम समीक्षा करेंगे, पिछले समय की रिपोर्ट लेंगे, फीडबैक रिपोर्ट लेंगे कि किस तरीके से जो है काम हो रहा है। चाहे हम केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की नल जल योजना है, पीएम आवास योजना है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर जो है सीएम शिवराज यहाँ पर अहम दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जनता तक ये योजनाएं किस तरीके से पहुंच रही है। और फिलहाल मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान भी चल रहा है, जिसके तहत सभी जो योजना है उनको जनता तक पहुंचाने की एक अभियान यहाँ पर मुख्यमंत्री ने शुरू की है, तो उसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज अहम दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे और श्योपुर जिले की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश देंगे कि क्या कुछ उनको सुधार की जरूरत है, क्या कुछ गलतियां हो रही है या फिर श्योपुर जिला किस चीज में नंबर वन है, इसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। मॉर्निंग एक्शन है तो जाहिर सी बात है कड़े दिशा निर्देश भी देखने को मिलेंगे, लेकिन सीएम शिवराज का एक और बार यहाँ पर मॉर्निंग एक्शन रूप नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, सीएम शिवराज भी हर जिले की समीक्षा कर अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दे रहे हैं कि खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो अब बात करते हैं गरबे की, जहां गरबे को लेकर भोपाल कलेक्टर की गाइडलाइन जो है वो जारी हो गई है। बिना पहचान पत्र के आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो प्रवेश के लिए पहचान पत्र दिखाना एक तरह से अनिवार्य होगा। तो कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य है और साथ ही फायर सेफ्टी नॉर्म्स का भी पालन करना होगा। तो आपको ये भी बता दें कि संदिग्ध वस्तुओं को प्रदर्शन में ले जाने पर भी रोक रहेगी। तो आज से भोपाल में बड़े पंडालों में शुरू होगा गरबा महोत्सव। तो ये बड़ी खबर है, जिस तरह से जो है चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर कलेक्टर ने गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं। अमितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमितांशी, गरबे को लेकर भोपाल कलेक्टर की गाइडलाइन जारी हो गई है, गाइडलाइन में किस तरह के दिशा निर्देश कलेक्टर की ओर से दिए गए हैं? देखिए सबसे जो कड़ा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, जिसको लेकर लंबे समय से कई संगठन मांग कर रहे थे कि बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पाती है, इसके चलते भोपाल कलेक्टर ने एक बड़ा यहाँ पर फैसला लिया है कि बिना आईडी कार्ड के अब गर्मी के पंडालों में एंट्री नहीं होगी। चाहे वो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हों या देखने वाले लोग हों, कोई भी आम आदमी अगर गरबे के पंडाल में पहुँचता है बिना आईडी कार्ड के, उसे वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। एक ये बड़ा फैसला है। लंबे समय से हिंदू संगठन मांग कर रहे थे कि बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, उसके बाद पुलिस ने भी एक फैसला लिया है कि जब तक रात में गरबा पंडाल जो है वो खत्म नहीं हो जाएंगे, गरबा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक गश्त और पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगी। उसके अलावा एक और यहाँ पर दिशा निर्देश सीएम अगर हम बात करें कलेक्टर ने दिया है, उन्होंने ये बात कही है कि सीसीटीवी लगाना ऐसी जगहों पर अनिवार्य है, क्योंकि देखिए गरबा पंडाल बड़ा होता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है और बड़े पंडालों में किसी का ध्यान जो है नहीं रहता है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं कि सीसीटीवी लगाना हर गरबा पंडाल में या जहाँ पर भी बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर अनिवार्य रहेगा। साथ ही फायर सेफ्टी नॉर्म्स का भी पूरी तरीके से यहां पर जो गरबा पंडाल उनको पालन करना पड़ेगा कि अगर कुछ होता है तो उनके पास सभी नॉर्म्स जो हैं वो उपलब्ध रहे, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो या फायर सेफ्टी की गाड़ी हो, सब कुछ वहां पर रहना जरूरी है। साथ ही कई बार हमने ऐसा देखा है नवरात्रि के वक्त में कुछ लोग होते हैं जो कि हवा में तलवार लहराते हैं या धारदार वस्तु लहराते हैं, उसके प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। साथ ही उनको गरबा पंडाल में जो है इसके साथ एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो यहां पर सख्त है जो कलेक्टर है गरबा पंडालों में लेकर कि कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई भी अनहोनी ना हो, चाहे किसी के भी साथ हो, तो बिना आईडी के एंट्री नहीं दी जाएगी। सेफ्टी नॉर्म्स भी जरूरी हैं, सेफ्टी नॉर्म्स अगर कमी पाई गई तो कार्रवाई भी की जा सकती है, ये कलेक्टर ने साफ कर दिया है। लेकिन धारदार वस्तुओं को भी अंदर ले जाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। तो इस बार गरबा पंडाल रहेंगे, जारी रहेंगे, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ जारी रहेंगे और पूरे जो कड़े निर्देश हैं उनके साथ सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर ही जो लोग हैं वो गरबा खेलेंगे और पूरी जो कड़ी निगरानी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
अब खबर नरसिंहपुर से है, जहां 6 आदिवासी किसानों से ठगी का मामला सामने आया है। लोन माफ कराने के नाम पर ये ठगी की गई है और 18 लाख रुपए की किसानों के साथ ठगी की गई है। तो लाखों रुपए लेकर फरार हुआ है आरोपी, तो आरोपी की तलाश में पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है। तो महगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 6 आदिवासी किसानों से ठगी का मामला सामने आया और इस पूरी ठगी करने के बाद जो आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की जांच जो है वो लगातार जारी है। खाते से ही पूरी राशि साफ हो जाती है। अच्छा, तो एसपी को लिखित शिकायत दे रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग करना चाहते कि इनका जो है पूरा पैसा वापस किया जाए, और इस जो धोखाधड़ी में जितने भी लोग, चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, और ऐसे लोग जो एजेंट बनकर के गांव देहात में लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की। और इसी कारण से उस व्यक्ति के द्वारा इनके पैसे निकाल लिए गए। कुल 6 किसान जो है इस प्रकार के सामने आए हैं। अभी इसमें मुंगवानी थाने से हम लोग इसमें जाँच करवा के शीघ्र इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। खबर सिंगरौली से है, जहां गाय को पूछड़ खाने ले जाने का शक सामने आया। 6 लोगों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की, तो पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो जियावन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गाय को पूछड़ खाने के शक में युवकों की पिटाई कर डाली। तो जियावन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि युवकों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से लोगों की जो है वो पिटाई की जा रही है। तो पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डंडे से युवकों को पीटा जा रहा है, और जो लोग भी इस तरीके से करते पाए जाएंगे जियावन थाने की तरह उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया है। सर, कितने लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ है? जो लोग थे उसमें 4-5 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, और जो अन्य लोग हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन में तलाशा जा रहा है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पांडुना में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की नुक्कड़ सभा के दौरान मंच पर पथराव का मामला सामने आया है। उस सभा का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के बारे में आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे नाराज होकर उनकी सभा में पथराव हुआ। फिलहाल पथराव मामले में घटनास्थल का निरीक्षण कर थाना प्रभारी को लाइन अटैच भी किया गया है। तो इस मामले में पुलिस ने 5 संदिग्धों को राउंड अप भी किया है। जीत गया भाई, जीत गया, नरेंद्र मोदी जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, नरेंद्र मोदी जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया भाई, जीत गया, नरेंद्र मोदी जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, नरेंद्र मोदी जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, नरेंद्र मोदी जीत गया। अरे कमलनाथ मेरा बेटा। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी के कार्यक्रम में अज्ञात तत्वों के द्वारा टक्करबाजी हुई थी। ये पांडुना के इतिहास में ये ठीक नहीं है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। किंतु भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर, प्रशासन के द्वारा निर्दोष लोगों को थाने में लाकर गलत व्यवहार, मारना, पीटना, कपड़े उतार के मारना, ये ठीक नहीं है। खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल मंदिर के माता पार्वती की चांदी की पालकी में भव्य सवारी निकली। मां पार्वती की सवारी में शासकीय पुलिस बैंड और घुड़सवार दल और पंडित पुजारी शामिल हुए, साथ ही पंडित और पुजारी भी शामिल हुए हैं। सवारी महाकाल मंदिर से शुरू से होकर शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए रामघाट पहुंची। तो जहां पुजारियों ने मां उमा का पूजन किया और माता की सवारी नदी पर पूजन के बाद महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर में अश्वनी कृष्ण एकादशी यानी 21 सितंबर से 5 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव की शुरुआत हुई थी। 5 दिन तक मंदिर के सभा मंडप में रंगोली, मुखौटे और झांकियां भी सजाई गई थी। महाकाल मंदिर में हर साल अश्विन कृष्ण एकादशी की अमावस्या तक 5 दिनों तक उमा सांझी महोत्सव मनाया जाता है। तो अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय पर साल में केवल एक बार उमा माता की सवारी निकलती है। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
जोर फाइनेंस लोन एट होम सर्विस पर कॉल कीजिए, पाइए गोल्ड लोन एट होम घर बैठे बैठे तुरंत 1-800-313-1212 पर फोन लगाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने और हर जरूरतमंद तक उसकी जरूरत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिवराज सरकार के प्रयास इतने कारगर साबित हो रहे हैं कि पीएम मोदी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। पीएम मोदी कई मौकों पर मध्य प्रदेश आते हैं और यहां आकर उन्होंने सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शिवराज सरकार की तारीफ भी की है। एक तरफ मोदी ने अपनी योजनाओं के जरिए देश को नई नई सौगातें दी हैं और देश नए भारत की तस्वीर कर रहा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ऐसी सरकार साबित हो रही है जो अपनी योजनाओं के साथ आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर रही है। आज गांव में खेती हो, पशुपालन का काम हो, डिजिटल सेवाएं हो, शिक्षा हो, बैंकिंग सेवाएं हो, बीमा से जुड़ी सेवाएं हो, मार्केटिंग हो, भंडारण हो, पोषण हो, अधिक से अधिक क्षेत्रों में बहनों बेटियों को प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाले मुख्यमंत्री का तमगा हासिल कर चुके हैं। सरकार चलाने के उनके तजुर्बे की वजह से ही यहां सबसे बेहतर लोक कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं और लोग उसका फायदा भी ले रहे हैं। लेकिन केंद्र की भी कई योजनाएं ऐसी रहीं जिनको जनता तक पहुंचाने में सीएम शिवराज के अनुभव की वजह से देश में सबसे बेहतर क्रियान्वयन का दर्जा मिला। ODF में नंबर वन, देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश के कई शहर और गाँव ODF घोषित किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 5 बार नंबर वन, स्वच्छता रैंकिंग जब से शुरू हुई तब से पहले पायदान पर इंदौर काबिज है। वैक्सीन लगाने में भी नंबर वन, कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन हमारे लिए संजीवनी साबित हुई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस क्षेत्र में भी MP अग्रणी बनाया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 4थी बार मध्य प्रदेश देश में नंबर वन। परिवर्तन आ रहा है, हर क्षेत्र में आ रहा है, मुझे आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। सबका प्रयास एक बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र बनाने में हम जरूर सफल होंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आकर के हमें आशीर्वाद दिए हैं, आपके लिए अधिक काम करने की आपने मुझे प्रेरणा दी है। श्योपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्व सहायता समूह को सौगात दी। मध्य प्रदेश में लगभग 43,47,000 परिवार की महिलाओं को महिला स्व सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है। देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर, 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देकर और करोड़ों परिवारों में नल से जल देकर के आपका जीवन आसान बनाया है। प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए हैं, केवल श्योपुर नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। 1 लाख बहनें आजीविका मिशन की आज यहां सामने इस तरफ और उस तरफ बैठी है, लेकिन 43 लाख बहनें अलग अलग संकुल और ग्राम केंद्रों से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन कर रही हैं, उनको सुन रही है। ऐसा नहीं कि एमपी की सरकार सिर्फ किसानों और महिलाओं पर फोकस कर रही है, उसकी प्राथमिकता में युवा भी सबसे ऊपर हैं। 15 अगस्त को एमपी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐलान किया कि 2022 पूरा होने तक प्रदेश में खाली पड़े 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी और इसे लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी है। मेरे बेटे बेटियों, रोजगार आज की एक बड़ी समस्या है। हमने फैसला किया है 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी ताकि हमारे बच्चों को शासकीय नौकरियों में रोजगार मिल सके। प्लेसमेंट के माध्यम से हम 1 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त हर महीने
रोजगार दिवस का आयोजन होगा, महीने में एक दिन रोजगार दिवस, और उसमें स्वरोजगार के कम से कम योजनाओं के अंतर्गत 2 लाख बच्चों को हम ऋण दे के उनके काम धंधे और रोजगार खड़े करवाएंगे। ये मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है। भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, विश्व में भारत अपनी धमक जमाए हुए है। वहीं अपने देश में मध्य प्रदेश दूसरे राज्य से जनता से जुड़ी जन कल्याण योजना को सफल बनाने में हर क्षेत्र में नंबर 1 साबित हो रहा है। बात फिर से स्वागत है आप सभी का, लेकिन अब खबर उन लोगों के लिए है जो जबलपुर की अवैध कॉलोनियों में अपना बसेरा बनाने की चाहत रखते हैं। ऐसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन साथ ही बिजली का स्थायी कनेक्शन लेने से भी महरूम होना पड़ रहा है। उपभोक्ता स्थायी बिजली कनेक्शन के नाम पर ज्यादा बिजली बिल चुकाने को मजबूर है, और आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। जबलपुर में अवैध कॉलोनियों का फैला जाल, उपभोक्ताओं को अस्थाई कनेक्शन दे रहा विभाग, अवैध कॉलोनियों में महंगी बिजली, बिजली कनेक्शन के नाम पर ज्यादा वसूली। यह हाल जबलपुर का है, जहां 70 से 80 अवैध कॉलोनियों का फायदा यदि सबसे ज्यादा किसी को मिल रहा है तो वो है प्रदेश का बिजली विभाग। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा पहले ही कर दी, लेकिन बिजली विभाग उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूल कर अपनी जेब भर रहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।